फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग पेरेंटिंग के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा कभी भी बैक आंसरिंग ना करे, कक्षा में भी उसके नंबर सबसे ज्यादा आए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो कदम रखे उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त हो, घर पर कोई उससे मिले उसकी तारीफ किए बिना ना रह सके, आपकी तारीफ किए बिना ना रह सके, आपका बच्चा जीवन में आपका नाम रोशन करे? मैं जानती हूं दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ ही है, क्योंकि हम सभी पेरेंट्स की इंटेंशन तो बहुत अच्छी होती है, यानी हम अपने बच्चों के अंदर खूबियां ही खूबियां भरना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारा इनपुट गलत हो जाता है, यानी हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसके चलते उसका आउटपुट यानी रिजल्ट भी खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी गलतियां शेयर करूंगी जो हम पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कौन सी हैं वो गलतियां, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ पेरेंट्स ये गलतियां करते हों और कुछ पेरेंट्स ना भी करते हों, लेकिन अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आपको इसका आउटकम शायद अच्छा ना मिले। इसलिए अगर आप इनमें से आप कोई भी गलती करते हैं तो अभी सुधार लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है कंपैरिजन। अपने बच्चों का कभी भी किसी के भी साथ कंपैरिजन ना करें, क्योंकि कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो आप हैं या तो फिर मैं हूं। सबका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, बच्चे उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते जितनी वो खुले मन से कर सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे का कभी भी कंपैरिजन ना करें। एक बार एक मम्मी बार बार अपने बच्चे का कंपैरिजन कर रही थी, जिसके चलते वो बार बार कह रही थी कि देखो रोहन ने कितने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, देखो रोहन अपने रूम को कितना क्लीन रखता है, तुम तो ऐसा नहीं करते, देखो रोहन अपना खाना कितने अच्छे से फिनिश करता है या तो फिर कितने अच्छे से खाता है। मम्मी बार बार उसका कंपैरिजन कर रही थी तो बच्चे ने एकदम से कहा कि मम्मी, अगर आपको रोहन ही इतना अच्छा लगता है तो आप रोहन की ही मम्मी बन जाती, मुझे क्यों पैदा किया। तो इसलिए दोस्तों, कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ये तो उस बच्चे ने कह दिया, लेकिन अगर आपका बच्चा ये बात नहीं भी कहता तो ये उसके संस्कार हैं, लेकिन वो अपने मन में बार बार ये सोचता है कि मम्मी आपको भी कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता, आप मेरा बार बार कंपैरिजन क्यों कर रही हो, कल पापा ने जब आपका कंपैरिजन पड़ोस वाली आंटी के साथ किया था तो आपको कितना बुरा लगा था, और पापा जब मम्मी ने कल आपका कंपैरिजन रोहन के पापा के साथ किया था तब आपको भी कितना बुरा लगा था। तो इसलिए दोस्तों, बच्चों को बैक आंसरिंग करने की जरूरत ही ना पड़े उससे पहले ही आप अपनी इस गलती को सुधार लें। इसमें सेकंड गलती जो आपको सुधारनी है कि बच्चों पर कभी भी शाउटिंग नहीं करती। कई बार पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय मान लीजिए बच्चे ने कुछ गलत किया तो उस पर शाउटिंग करने शुरू कर देते हैं कि तेरे को इतना भी नहीं आता, तेरे को मैं बार बार समझा रही हूं। ऐसा करने से बच्चा डर जाता है और वो खुलकर परफॉर्म नहीं कर पाता। और साथ ही कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बॉस ने आपको डांट दिया, घर पर आकर आपने वही सारा गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल दिया, उस पर आप शाउटिंग करने लग गए, जिससे बच्चे को मैसेज जाता है कि हम कमजोर पर शाउट कर सकते हैं, जिसके चलते वो पहले अपने छोटे भाई बहन पर शाउट करना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ताकतवर होता जाता है और आप कमजोर होते जाते हैं, और रिजल्ट फिर सामने आता है कि वो आप पर शाउट करना शुरू कर देता है और आप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया है। तो इसलिए ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें थर्ड गलती जो आपको नहीं करनी है, बच्चों की ओवर केयर नहीं करनी है। कई पेरेंट्स बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते, घर पर ही
उसे एसी रूम में बंद करके रखते हैं कि कहीं हमारा बच्चा बीमार ना हो जाए। मिट्टी में नहीं खेलने देते, बारिश में नहाने नहीं देते, गर्मी में नहीं जाने देते, जिससे बच्चे का विकास रुक जाता है। इसलिए आपको बच्चों की ओवर केयर नहीं करनी है। ऐसे ही दो बच्चों ने अलग अलग गमले में दो पौधे लगाए। एक बच्चे ने तो उस पौधे का बहुत ध्यान रखा, जैसे ही उस पौधे को धूप लगती उसे खींचकर छांव में कर देता, हर रोज उसे पानी देता। लेकिन दूसरे बच्चे ने उसका इतना ध्यान नहीं रखा, उसे पानी देता था लेकिन कई बार बीच में छूट भी जाता था। उसने ना ही कभी उसको छांव में किया। और एक दिन क्या हुआ कि आंधी तूफान आया, जिसमें जो बच्चा बहुत ज्यादा केयर करता था उसका पौधा जड़ से उखड़ गया, जबकि दूसरे बच्चे का पौधा जड़ में मजबूत बना रहा, इसी तरह खड़ा रहा। जिससे उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा कि मैं तो इतना ध्यान रखता था लेकिन फिर भी तेरा पौधा सलामत है और मेरा पौधा उखड़ गया है। तब उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने पौधे का ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, इसलिए इसकी जड़ें नीचे तक चली गई और ये बारिश में भी मजबूती से खड़ा रहा। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को हमें रफ एंड टफ बनाना है, यानी जीवन के किसी भी संघर्ष में उन्हें जीतने के लिए तैयार करना है। इसमें फोर्थ गलती जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं वो है कि नॉट स्टॉपिंग इन द अर्ली एज, यानी बच्चा जैसे ही छोटी उम्र में कोई भी काम पहली बार करता है जो कि गलत है, उसे हम नहीं रोकते तो बच्चे की वो आदत बन जाती है। मान लीजिए एक बच्चा अपनी मम्मी को गलत बोला, उस समय घर के बाकी सभी मेंबर्स उस पर हंसने लग जाते हैं कि देखो इसने कैसे बोला, क्योंकि उस समय तो हमें वो बोलता हुआ अच्छा लगता है। लेकिन उसके मन में ये बात जाती है कि इसका मतलब अगर मैं मम्मी को गलत बोलता हूँ तो ये अच्छी बात है, और वो धीरे धीरे हर रोज बोलना शुरू कर देता है और फिर उसकी आदत बन जाती है। लेकिन यही बात बाद में हमें बुरी लगने लग जाती है। इसी तरह बच्चे जब पहली बार मोबाइल गेम खेलने शुरू करते हैं तब हम उसे नहीं रोकते, बाद में ये उनकी आदत बन जाती है तब हम उन्हें नहीं रोक पाते। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि ये बच्चा गलती कर रहा है उसे उसी समय रोक दें ताकि वो गलती गुनाह ना बने। इसमें फिफ्थ गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कुछ घरों में टीम वर्क से काम नहीं करते, मम्मी कुछ और कहती है पापा कुछ और कहते हैं। मम्मी बच्चे को पढ़ाना चाहती है, पापा उसे खेलने के लिए ले जाना चाहते हैं, जिसके चलते बच्चे की नजरों में मम्मी तो विलन बन जाती है लेकिन पापा हीरो बन जाते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चे को सुधारने के लिए, या तो कह सकते हैं अपने बच्चे की अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि जिन घरों में सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उन घरों के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि वो सब लोग पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। इसी तरह जिन घरों में बच्चों की हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है उन घरों के बच्चे भी बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन हमें टीम वर्क में काम करना होता है, तो इसलिए अगर हम अपने बच्चे की प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें एक टीम बनकर काम करना होगा, तभी हम अपने बच्चों का कुछ अच्छा सोच सकते हैं, हमें आउटकम अच्छा मिल सकता है। दोस्तों, ये थी पांच गलतियां। अगर इनमें से आप कोई एक भी गलती करते हैं तो उसे अभी सुधार लें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, आपको ये कहना ना पड़े कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया है या तो ये तो कल युग का बच्चा है। क्योंकि जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो हर रोज हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं, हर दिन बच्चे की कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती रहती है, तो उन समस्याओं के लिए हर रोज एक नया सलूशन चाहिए होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई सलूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और कंसल्टिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोगों को, यानी दूसरे माता पिता को भी इसकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।